इस समय हम हमारे साथ है पासांग। हम ये जानना चाहते हैं पासांग, आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? आज 12 मार्च है। हम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 12 मार्च है, क्रिश्चियन वुमेन अपराइजिंग। आज जितने भी क्रिश्चियंस, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समय जो हैं, जो तिब्बती समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका प्रोटेस्ट है आज 12 मार्च को। जितनी भी तिब्बती जो महिलाएं होती हैं वो वुमेंस अपराइजिंग डे है ये आज का। 10 मार्च को अपराइजिंग डे होता है और 12 मार्च को वुमेन अपराइजिंग डे होता है, जिसमें जितनी भी जो तिब्बतन महिलाएं हैं, जो महिलाएं संगठन हैं, वो सभी इस अपराइजिंग का हिस्सा बनते हैं और चीन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं पासांग, आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? आज 12 मार्च है, हम मेलो टिबेटन वुमेन अपराइजिंग डे करके मन रहे हैं। इसका मतलब ये कि 10 मार्च को जब चाइना ने टिबेट को ऑक्यूपेशन किया था, उस वक्त ऑल द टिबेटन्स है ना, वो सब स्ट्रीट में आके प्रोटेस्ट किया चाइना के खिलाफ। उनका मैथली मोस्टली मैंस लोग चले गए ना, वुमेन इन द फैमिली जो घर में अपने अपने हस्बैंड को, अपने सन को, अपने फादर को वेट कर रहे, तो वो जब लोग की नहीं है, चाइना ने पूरा पूरी को मार दिया हुआ है और गायब किया हुआ है। सो ऑल द वुमेन्स जो मेलो दो और सब स्ट्रीट में आगे 12 मार्च को, एक दिन के बाद 12 मार्च 1959 को स्ट्रीट में आगे प्रोटेस्ट किया। सो हम यहाँ आज वो दिन मान कर रहे हैं कि टिबेट में जब जल्दी से जल्दी आज़ादी हो। थैंक यू पासांग, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी तिब्बत आज़ाद हो। आपका जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको आज़ादी मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। के समुदाय के लोग हैं वो चल रहे हैं, ये सभी नीचे कचहरी अड्डा तक जाएंगे। ये मैकलोडगंज से चले हैं आज, कह रहे हैं कि जितने भी जो तिब्बतन महिलाएं जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं वो मैकलोडगंज से धर्मशाला की तरफ जा रही हैं। इस बार हालांकि ये देखा गया कि जितने भी जो संख्या है, जो महिलाओं की जो संख्या होती थी वो इस बार बहुत कम है। Om Mani Padme Hum।